अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी रेसिपी, हलीम की रेसिपी, रेशे वाला हलीम बनाएंगे। इसके लिए हमने कुछ दालें ली हैं, तुअर, मूंग, मसूर, मसूर की दाल, उड़द और चने की दाल। इन सब दालों को हमने एक एक कटोरी लिए, आधा कटोरी हम चावल भी ले लेंगे और इन सबको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और दो से तीन पानी में इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे दालों को। और इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और कुछ मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, और इस मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमें दाल को बॉईल करना है। एक से डेढ़ गिलास हम इसमें पानी डाल के कुकर की लिड लगा के एक विसल लगाएंगे। इसके बाद हम इसे आधा घंटे के लिए हल्की आँच पर पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारी दाल गल रही है। डेढ़ गिलास के आसपास हमने जौ ले लिए थे, इसको हमने 5 से 6 घंटे भिगा दिया था। ये देखिए जौ हमारे अच्छे से फुल के रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है इसको एक कुकर में डाल देंगे धोने के बाद। ये देखिए जौ हमारे अच्छे से फूलने लगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। एक विसल लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आँच में इसे पकाएंगे। जौ को अच्छे से हमें गला लेना है। इधर जौ हमारे गल रहे हैं, इधर हम मटन की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने कुकर में आधा कप तेल ले लिया है, उसमें हमने कुछ खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं। दालचीनी, तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग और छोटी इलायची डाल देंगे और साथ में हम इसमें 2 स्लाइस कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का सा नरम होने तक पकाना है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज कर लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। अब हम इसमें 1 किलो गोश्त डाल देंगे, मटन, आप इसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मटन को अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे और साथ में हम 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और कुछ मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्ची। डालने के बाद इन मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और साथ में मैं इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल दूँगी। और आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं 4 से 5। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें गर्म मसाला डाल देंगे। इसके बाद हम इसको पानी डाल के कुकर की लीड लगाएंगे और उसमें एक विसल के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे से पकने के लिए रखेंगे। गोश्त को हमें अच्छे से गला लेना है, एकदम हमें गला हुआ बनाना है। अब हम दाल देख लेते हैं। दाल देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब हमें इसे अच्छे से घोट लेना है। इसे हम एक ब्लेंडर की मदद से इसको पूरा घोट लेंगे, घोट के रेडी कर लेंगे। ये दाल हमारी अच्छे से घोट के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे दाल को। ये देखिए जो अच्छे से गल गए, अब हम इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भी हम ब्लेंडर की हेल्प से घोट लेंगे। इसे भी हमें अच्छे से घोट के बनाना है, रेडी करना है। जो को खूब अच्छे से हमें घोट लेना है। जो भी अच्छे से मैश होके रेडी हो गए, अब हम इसको दाल में मिक्स कर लेंगे। दाल और जौ को हमने अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देना है। और ये देखिए गोश्त भी हमारा गल के अच्छे से रेडी हो गया है। हमें एकदम रिश्तेदार बनाना था, बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है। और जिसमें थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी हम हाथ से घोट लेंगे। अब हम इस गोश्त को भी दाल में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हलीम का मसाला डाल देंगे, खिचड़ा मसाला, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, शान का है। और इसको डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हल्के आँच में इसे पका लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा हलीम बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फ्राइड अनियन डाल देंगे और थोड़ा सा हम पुखनू डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और अदरक की जुलियन डाल देंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छे से हलीम बनके रेडी हो चुका है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा हलीम कितना ज़बरदस्त बनके रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है। और इसे मैंने दही और नींबू के साथ सर्व किया है। आप इसे इस तरह से अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।